हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुबो प्रोजेक्ट के बारे में। ये कुबो क्वाइन है, इस क्वाइन का जो नेम है वो है कुबो और इस प्रोजेक्ट का नेम भी कुबो ही है। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बेहतर प्रोजेक्ट है ये और काफ़ी एक्टिव वॉल्यूम है इसका एक्सचेंजेस में भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुबो प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट का कुछ आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर इसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो देख के आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है इस क्वाइन की वेबसाइट, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको खुद से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुबो जो है यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ फॉर ट्रस्ट ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। और अगर हम बात कर लें कि कुबो आखिर करता क्या है, तो इसके ज़रिए आप सिक्योर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं और आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रिप्टो को फियाट में और अदर क्रिप्टो असेट्स में। यानी कि ये एक प्रोसेसिंग सिस्टम है और ये काफ़ी सिक्योर है और कुबो का काम ये है। तो ये कुबो जो है स्टैंड करता है ट्रस्ट ऑनेस्टी और लॉयल्टी को। तो यहाँ पर ये जैसा कि बोल रहे हैं कि ट्रस्ट के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और उसी के साथ ऑनेस्टी की अगर हम बात कर लें तो ये अपने वॉलेट के स्क्रीनशॉट्स, जो कुछ भी प्रोजेक्ट के साथ हो रहा होता है वो ये लोग कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे अच्छी और बात क्या कि ये जो है KYD वेरीफाइड है। ये KYD वेरीफाइड जो होते हैं काफ़ी ट्रस्टेड प्रोजेक्ट होते हैं जो कि वेरीफाइड होते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये मैं आपको बता दूं कि मास्टर नोड प्रोजेक्ट है, POS है और ये ERC20 पर बेस्ड है। तो इसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यहाँ पर आप ये बेनिफिट देख सकते हैं कुबो के। तो यहाँ पर ये वाई कुबो के कुछ की पॉइंट्स है जो आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर ये मास्टर नोड और POS को भी सपोर्ट करता है। अभी ये ERC20 पर है और ये शिफ्ट होगा अपने ब्लॉकचेन पर। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मास्टर नोड सपोर्ट करता है या नहीं करता, पर जैसा कि मैंने देखा है कि इसकी ROI वगैरह भी है मास्टर नोड में, तो आप उसको खुद से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुबो डेक्स भी है जो कि एक एक्सचेंज की तरह होगी और ये भी कमिंग सून है। उसी के साथ अगर हम बात कर लें कि कौन सी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो ये स्ट्रेक्स, क्रेक्स 24, अल्ट मार्केट एंड ट्रेड सतोशी पर लिस्टेड है। इन चार एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है और यहाँ पर इस क्वाइन की ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पर जैसा कि अभी देख सकते हैं कि 102 डेज बचे हैं, उसके बाद कुबो का अपना ब्लॉकचेन होगा, यानी कि October 1, 2019 को ये ERC20 जो इनका ब्लॉकचेन है उससे ट्रांसफ़र करेंगे अपने क्वाइन को उनके अपने ब्लॉकचेन पर। और ये यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स ऑन ब्लॉकचेन दैट इज सेल्फ कंटेंड। तो ये अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये इथेरियम पर बेस्ड है और 1 अक्टूबर 2019 यानी कि 102 डेज के बाद ये अपने ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी के साथ आप यहाँ इनको सोशल मीडियाज पर फॉलो भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले रिसोर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ। अभी तक इनके रोड मैप में जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने सारी की सारी की हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी आगे चीज़ें इन्होंने रोड मैप में दी है वो भी ये करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल से कर सकते हैं। इसकी मास्टर नोड की ROI जो है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 2019 चल रहा है, तो Q1 में इन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई है जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन मर्चेंडाइज, तो वहाँ पर ये कुबो का स्टोर है। एक्सचेंज पर भी इन्होंने अपने आप को लिस्ट किया है, उसी के साथ ये कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्टेड है जो इनके रोड मैप में था। उसी के साथ अगर हम आगे आ जाएँ तो ये जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉइन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन ये भी इन्होंने किया हुआ है। सारी चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है वो सारी इन्होंने की है। तो यहाँ पर आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ के जैसा कि आप देख सकते हैं Q4 में
इनका स्वैप होगा इनके अपने ब्लॉकचेन पर, तो ये भी होगा, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसी के साथ बाकी मैं इनकी आपको टोकन की डिटेल्स बता दूं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके इथेरियम नेटवर्क की। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है टोकन, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो करंट प्राइस है वो है इस कॉइन की इतनी है, और ये कॉइन नहीं कहलाता, ये टोकन कहलाता है क्योंकि इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम है। उसी के साथ कॉइन मार्केट कैप पर जो इसकी रैंक है वो है 912, जो कि काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे जो न्यू प्रोजेक्ट होते हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाते, मगर ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है। और डेली जो इसका वॉल्यूम होता है वो $2000 से अप होता है। यहाँ पर पता नहीं ये क्यों कम दिखा रहा है, मगर जो उसका डेली वॉल्यूम होता है वो $2000 से अप ही होता है। उसी के साथ अगर हम कॉइन की बात कर लें तो कूबो कॉइन है इसका नाम, इसका सिंबल कूबो है। टोटल सप्लाई जो इस कॉइन की है वो है 100 बिलियन। अब आप बोलोगे इसकी सप्लाई बहुत है तो प्राइस डंप वगैरह होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइस बहुत कम है, शुरू से ही बहुत कम है, तो उस हिसाब से ये जो सप्लाई है ये सही है, ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। और बाकी अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इन्होंने कुछ अपना वॉलेट का परसेंटेज मार्केटिंग के लिए भी रखा हुआ है, टीम के लिए भी रखा हुआ है, तो ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए इसके ERC20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है इथर स्कैन, और अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें इस कॉइन के, तो ये इस कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसी का साथ जो डेसिमल है वो है 8। तो आप इसको खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, ये सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा हुआ नहीं है इसमें। टोटल सप्लाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताई कि 100 बिलियन सप्लाई है इस कॉइन की, और यहाँ पर प्राइस शो नहीं कर रहा मगर एक्सचेंजेस पर ये शो करता है। बाकी इसको आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही है, काफ़ी ह्यूज ट्रांजेक्शन है, तो उसको आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये है इस कॉइन की प्राइस, ये कॉइन कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्टेड है, और अभी जो इसकी प्राइस है वो है 0.00009 US डॉलर, और ये तकरीबन मैं एक मंथ से देख रहा हूँ ये प्राइस यहीं पर है, ये 9 से 10 होता है, 10 से 11 होता है, मगर इससे कम नहीं आता। तो हम कह सकते हैं ये जो कॉइन है स्टेबल है, प्राइस का इतना फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होता। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इस कॉइन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सिर्फ आज ही कम है इस कॉइन का वॉल्यूम, नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है। आज पता नहीं क्यों कम है, तो मैंने भी ये आज ही देखा है। तो अगर हम नीचे आ जाएं और चार्ट पर बात कर लें, तो अगर मैं ऑल टाइम चार्ट इसका रखता हूँ, तो चलिए इस चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉइन था 42 पर गया था अराउंड 31 मई को, तो अभी अप्रैल जून चल रहा है, काफ़ी सारे मास्टर नोड कॉइन्स नीचे आई हैं, तो उसी के साथ ये कॉइन भी जो है ये नीचे आया हुआ है। बाकी अगर हम जून से बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं ये 10 टू 11 पर ही स्टेबल है, और कम तो नीचे तो आ गया है, पर उसके बाद यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये इसका बॉटम है और ये यहाँ पर स्टेबल हो गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि इसका डेली वॉल्यूम अराउंड $2000 है, सिर्फ आज ही कम है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जैसा कि $4000 वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम काफ़ी सही है, इसमें आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इससे। बाकी अगर हम और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूबो कॉइन की ROI 19% डाउन है, यानी कि लेट से जब ई कॉइन लॉन्च हुआ था तब आपने अगर बाय किया होगा तो यहाँ पे ये सिर्फ 19% कम है। बाकी मास्टर नोड कॉइन आप जो भी देखोगे उसमें कोई 86% डाउन है, कोई 99% डाउन है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कॉइन के बारे में भी, क्योंकि ये काफ़ी कम गया है डाउन। तो जाहिर सी बात है अभी मार्केट सही नहीं है, जब मार्केट अप जाएगी तो सारी कॉइन्स अप जाती हैं और उसका भी अप जाने का अंदेशा है। बाकी अगर हम बात कर लें ऑल टाइम हाई की, तो वो थी 0.00053 US डॉलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस कॉइन के लिए, और ये बहुत जो भी कॉइन्स हैं वो उनका जो ऑल टाइम हाई होता है वो काफ़ी अप होता है, और जो करंट प्राइस होती है वो काफ़ी कम है ड्यू टू बेयरिश मार्केट। और अगर हम 30 डेज़ की बात कर लें 90 डेज़ की, तो यहाँ पर 90 डेज़ में ये 53 पे था,
और लॉ पे था ये 0.5 पे, और उसी के बाद उसी के साथ 7 डे की बात कर ले तो ये काफ़ी मैं कहूँगा स्टेबल हो गया है, और आई थिंक कि इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप खुद से भी इसकी रिसर्च करें, तो जो आपको सही लगे वो आप करें। और अब मैं आपको चलता हूँ, लेके चलता हूँ इसकी एक्सचेंजेस पर, जहाँ पर ये ट्रेडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात कर लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ स्टेक्स ही यूज़ करें, क्योंकि ट्रेड सतोशी में इसका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है, और क्रैक्स 24 में भी ये ना के बराबर है। तो अगर आपको बाय करना है या सेल करना है, तो आप स्टेक्स जो ये एक्सचेंज है यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, और फिर हम वहाँ पर इस कॉइन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, ये है स्टेक एक्सचेंज जहाँ पर कुबो कॉइन ट्रेडिंग हो रहा है, और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस थी वो जहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे मैंने आपको बताई कि 10 है, तो यहाँ पर ये भी सेम ही शो कर रहा है। इसका जो 24 आवर में वॉल्यूम था वो अराउंड इतना, आई थिंक ये 6.2 मिलियन बनते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये जो इसका पेयर है वो USDT के साथ है, यहाँ पर कोई BTC का पेयर नहीं है, और ये टोकन है, कॉइन नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस लो है, तो उस पर फीस भी जो है वो बहुत कम लगती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सचेंज का जो इंटरफेस है काफ़ी सही है, काफ़ी सिंप्लीफाइड है। यहाँ पर कुबो कॉइन सेल के लिए लगे हुए हैं, ये बाय के लिए भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी सही ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर। आप इसको खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं। उसी के साथ यहाँ पर और भी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताई तो नहीं, पर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है इस एक्सचेंजेस का, यानी कि बहुत यूजर फ्रेंडली है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये ट्रेड्स हो रही हैं, लोगों ने बाय किए हैं, सेल किए हैं, तो आप इसको अभी खुद से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं इसको इसके कुछ सोशल मीडियाज का आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्विटर की बात कर लूँ, तो ये है इनका ट्विटर, और ये टीम काफ़ी एक्टिव है इनकी, ये डेली यहाँ पर शेयर करते रहते हैं जो भी इनका चल रहा होता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुबो विद मैसिव अडॉप्शन टीम, तो यहाँ पर ये कोई कुछ इनका इवेंट है। उसी के साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैलेंडर, जहाँ पर आपको अपकमिंग इवेंट्स का पता होता है, वहाँ पर ये भी लिस्टेड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ ये हर मंडे को इनवाइट करते हैं आप लोगों को कॉल पे, यानी कि लोगों से अपनी राय पूछते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो भी मैंने मेंशन किया है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, गुड बाय।